वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम एवरीवन। सो द पीपल हु आर यू नो कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम देयर, प्लीज जॉइन अ टेलीग्राम ग्रुप। द टेलीग्राम ग्रुप लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, यू नो ऊपर आपके, सॉरी उस पे जो पिन पोस्ट है उसके ऊपर है। कौसाम्बी टू डिवाइसेस पे आप कर सकते हो, यस। उसमें देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, ओटीपी वगैरह आता है तो उससे हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल, सब बढ़िया है। सो वेलकम टू द लेट नाइट न्यूज़पेपर एनालिसिस वेयर वी डिस्कस द हिंदू पेपर डेली एट 11 o'clock, प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज वेंकटेश। एंड दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, आई हैव बीन टीचिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी इन द लास्ट 4 years नाउ। If you are planning to join Unacademy Plus, these are the various benefits that Unacademy provides, right? ये नए courses कल से start हो रहे हैं। From tomorrow, these courses are beginning. You have the Mission UPSC CSE 2021 Bilingual Batch, Lakshya UPSC CSE 2021 Batch, Expedition UPSC CSE 2021 Batch, and फिर 2020 के Mission Batches भी हैं, Prelims और Mains के लिए, right? So these are all the various batches which are existing, and you can use my referral code VCSIR. To get a 10% discount on subscription. So, आप ये कोड VCSIR कोड यूज कर सकते हो जिससे आपको 10% यानी कि 10% डिस्काउंट मिलेगा, राइट राइट। सो दिस इज, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर प्लानिंग टू जॉइन अनअकैडमी प्लस? यस, सौम्या इज ऑलवेज गोना हेल्प मी आउट देयर, यस। सो एनीवन हु इज प्लानिंग टू जॉइन अनअकैडमी प्लस सून, सो गाइज यूज दिस कोड VCSIR, राइट, आप उसको सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। सिरीशा आइकॉनिक में बेसिकली एक 1-to-1 आपको मेंटर भी मिलेगा, दैट इज द एडिशनल एडवांटेज। बाकी तो प्लस में आपको कोर्सेज सारे मिलते ही हैं, एवरीथिंग एल्स यू गेट ऑन प्लस, इट्स जस्ट अ 1-to-1 मेंटर यू गेट ऑन सब आइकॉनिक। अबे बेस्ट या मैं कैसे बता सकता हूँ विच इज बेस्ट, अब हाउ कैन आई से विच इज बेस्ट, यू कैन, इट्स अप टू यू वॉट काइंड ऑफ हेल्प यू नीड, राइट। चलिए इट स्टार्ट विद टुडेज आर्टिकल, 9th August के आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन वॉज अ वेरी सैड इंसिडेंट विच हैपेंड केरला, crash toll hits 18, probe begins, flight data recorder recovered, normal operation resume at Calicut airport day after flight accident. So the crucial flight data recovered of the ill-fated huzur, I've shared the link, upar pinned hai yaar, aap logo ko pinned post nahi dikh raha kya? This is the link which I've just pinned on the top. The crucial flight data recorder of the ill-fated Air India Express crashed, overshooting the लैंडस्लाइड और दूसरा था चीकू, दिस वॉज इन केरला का आपका जो कैलिकट में हुआ था, रनवे पे हुआ था, दिस वॉज इन योर कोझीकोड के कोझीकोड के रनवे में। सो द एयरपोर्ट में आपके लगभग आई थिंक 23 वर इन द क्रिटिकल कंडीशन एंड 149 इंजर्ड हैं, आई थिंक 18 सकम्ड टू डेथ, राइट, ओके 18 succumb to that, and when 18 succumb to that, that is a very, very, very aapka, scary proposition. So if you can see this, what is your tabletop runway? So it's an airport built on the top of a hill or a plateau with one or both ends of the runway overlooking a drop. This increases the possibility of injuries and fatalities if pilots and overshoot their your approach, right? So there are five such, right, there are five such runways in India, right? You have the first one, which is your obviously Kozhikode, which is in your Kerala. Then we have the Mangalore, which is Karnataka, Shimla, which is in Himachal Pradesh, you have Pakyong in Sikkim, and your Lengpui in Mizoram. Why does this happen? ऐसा होता क्यों? Why does such kind of airport exist? Okay, Neeraj, I'll just talk about it. बताता हूँ। हाँ, क्योंकि वहाँ flat land नहीं है, plain area नहीं है, it's in hilly area. Neeraj, what is overshoot? Do you know what is overshoot? If you look at this, आपका this is the plateau. तो भाई आपका यार अगर प्लेटो से ज्यादा आप यहाँ पे जाके गिर जाओगे तो क्या होगा? गिरोगे तो हो गई तो, सिंपल सा है। हाउ विल दैट नॉट लीड टू एक्सीडेंट? दैट्स व्हाट आई आस्क।
हाउ विल दिस नॉट लीड टू एक्सीडेंट इफ देयर इज अ क्लिफ खाई में जाकर आपकी एरोप्लेन गिर रही है तो कैसे नहीं होगा यार, मतलब सिंपल लॉजिक क्या हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, इंडिया चाइना मेजर जनरल डिस्कस सिचुएशंस, ओके, एट योर देपसांग, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। देपसांग, व्हाट इज देपसांग गाइस? देपसांग, ठीक है ना, ओके। देपसांग इज इंडिया चाइना, एक आपका लोकेशन है इन लद्दाख रीजन, इफ यू लुक एट लद्दाख रीजन, ठीक है ना, आपका लद्दाख रीजन में है एंड दिस इज द लोकेशन, दिस इज द लोकेशन, ठीक है ना। जी जिंगपिंग हैज अराइव्ड, अरे वाह क्या बात है जी जिंगपिंग, बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी जिंगपिंग फॉर शेयरिंग दिस इमेज विद अस। यस दिस इज द इमेज, ठीक है ना, दिस इज द इमेज। सो दिस इज द सो कॉल्ड एलएसी, राइट, एंड यहां पर आपका जो बॉर्डर एरिया पे देपसांग एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। सो इंडिया एंड चाइना ऑन सैटरडे हेल्ड टॉक्स एट द मेजर जनरल लेवल टू डिस्कस इश्यूज कंसर्निंग द स्ट्रेटेजिक देपसांग प्लेन्स, राइट, एंड डिस्पाइट द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ओके, द देपसांग प्लेन, द सीरीज ऑफ मिलिट्री टॉक्स हेल्ड सो फार हैव फोकस्ड ऑन द स्टैंड ऑफ एरिया एट गलवान गोगा हॉट स्प्रिंग एंड द फिंगर लेक ऑफ योर पोंगोंगसो लेक, क्लियर, ठीक है ना। ऑलराइट, सो देपसांग जो है वो आपका मतलब एलएसी के ऊपर लाइक करता है, इट लाइज ऑन द एलएसी, ठीक है ना। चलिए, ऑल सेट फॉर कैपिंग ब्लू आउट, वॉट इज योर ब्लू आउट गाइज, वॉट इज ब्लू आउट? हाँ, दिस इज द भागजान, राइट, भागजान है, पता होगा आपको, राइट, भागजान, राइट, भागजान बहुत न्यूज में रहा है। दिस इज द प्लेस वेयर द ऑयल वेल हैज यू नो हैज कॉट ऑन फायर। द पीएसयू मेजर ओआईएल ऑन सैटरडे सेड दैट The preparations have been made for capping the blowout in its well at Bhagjan in Assam. The well head and its plinth have been made ready for the fire control operation, a release by OIL said. Right, the well number 5 at Bhagjan has been uncontrollably on fire. बहुत समय से ये आपका yes fire Assam में fire हुई थी last month, बिल्कुल oil well fire है ये आपकी, ठीक है ना। So this is the वेरी 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 डेंजरस थिंग विच हैज हैपेंड, काफी डेंजरस बात है जो हुई है। यस यू गाइस कैन सी दिस इज योर देपसांग एरिया, एग्जैक्टली दिस इज द देपसांग, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, ठीक है ना। ओके, सो ये है आपका। नेक्स्ट इज WHO ऑफिशियल वॉर्न्स अगेंस्ट वैक्सीन नेशनलिज्म, ये एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, दिस इज अ वेरी वेरी न्यू कॉन्सेप्ट विच हैज कम अबाउट, वैक्सीन नेशनलिज्म। यू नो वॉट इज वैक्सीन नेशनलिज्म? अरे भैया मतलब ये सिंपल सा लॉजिक है कि भाई नेशनलिज्म बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ वैक्सीन, कि भैया हम वैक्सीन बनाएंगे, हम अपनी पॉपुलेशन को देंगे, बाकी पॉपुलेशन को सेकेंडरी सेकेंडरी दर्जा देंगे। तो विद ओवर 2000 कोविड वैक्सीन कैंडिडेट्स इन डेवलपमेंट, 27 ऑफ देम हु आर इन द क्लिनिकल ट्रायल्स, WHO की जो आपकी वो सौम्या स्वामीनाथन है, रेज द नीड टू हैव अ मल्टीलैटरल और ग्लोबल अप्रोच एंड नॉट नॉट हैविंग अ पेरोकियल और नेशनलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। अब यार ये इनफैक्ट आपको क्या लगता है यार, अब लॉजिकली बताओ, क्या कोई कंट्री इतनी वैसी होगी कि भैया अपनी कंट्री अपने लोगों को पहले नहीं देगी वैक्सीन? मतलब ये दिस इज आस्किंग फॉर टू मच, ये कोई भी कंट्री नहीं करेगी, नो कंट्री विल डू दिस, एवरी कंट्री विल वॉन्ट इट सेल्फ। नहीं तो अगली बार आपको लगता है इलेक्शन जीतेंगे क्या कोई भी? यार कोई कंट्री में जहां इलेक्शन होते हैं तो या तो आप ये मनाओ कि भाई कोई डिक्टेटोरियल कंट्री के पास वैक्सीन आ जाए तो वो अपनी कंट्री को ना करे, दूसरी कंट्री को दे दे और उसके लोग बड़े खुश हो जाएंगे उनसे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट जहां तक डेमोक्रेसीज आर देयर, राइट, सो जहां तक डेमोक्रेसीज है भाई, एवरी कंट्री वुड वांट टू हैव देयर ओन स्टॉक, उनने बनाया है, उनकी कंट्रीज है, उनकी साइंटिस्ट ने काम किया है, सो वैक्सीन नेशनलिज्म इन दैट सेंस इज गोइंग टू हैपन। अब आप जितना भी बोल लो कि नहीं होना चाहिए, नोटिंग दैट द टर्म वैक्सीन नेशनलिज्म हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द फैक्ट दैट मेनी कंट्रीज ओनली थिंक अबाउट देयर ओन पॉपुलेशन, यस दे वुड। Yeah, it's a realistic work. You can't be an idealist in some scenario में. Idealism would show that हम लोग पूरी दुनिया भर को distribute तुरंत कर देंगे, but ऐसा होगा नहीं। आप वहां देख लो, चाइना में जो एक उनकी वैक्सीन कैंडिडेटचर है, उन्होंने अपनी मिलिट्री को पहले दे दिया है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे realism versus idealism का यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, एंड एवरी वन कंट्री वुड, यार कंट्री कंट्री तभी है। अब या तो हम लोग वासुदेव कुटुंबकम की बात मानने लग जाए स्टार्टिंग से, वो कोई
मानते तो है नहीं उसको जितना भी कह लो, सेकेंडरी स्टेटस होता है उसका, नेशनल इंपॉर्टेंस इज द प्राइम इंपॉर्टेंस। तो ठीक है, बोलना उनके उनका उनका वो है, क्या कहते हैं, उनका प्रोरोगेटिव है और उनके एक ऑब्लिगेशन है कि वो करें, उनकी ड्यूटी है कि यार मतलब ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, बट होना तो हमको पता है क्या है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इज डब्ल्यू। हाँ, ये तो हो चुका है आपका। तो ये बोला है कि स्ट्रेसिंग ऑन द इक्विटेबल एक्सेस, वी हैव हैड बैड एक्सपीरियंस इन द पास्ट एंड प्रीवियस एपिडेमिक इंक्लूडिंग द H1N1 पेंडेमिक व्हेन वैक्सीन्स वर योर यू नो कॉर्नर्ड बाय द हाई इनकम कंट्रीज एंड वेरी लिटिल लेफ्ट और लो इनकम कंट्रीज वर देयर, ठीक है ना। नाउ कैपिटल इशू, आंध्र प्रदेश फाइल स्पेशली पिटिशन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज फाइल्ड एन एसएलपी इन द सुप्रीम कोर्ट अपीलिंग फॉर अ स्टे इन द ऑर्डर ऑफ स्टेटस को इशूड बाय द हाई कोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आपका उनका जो डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन एक्ट है। मेन थिंग इज, आप ये सब तो छोड़िए, व्हाट इज एसएलपी, होता क्या है एसएलपी, स्पेशली पिटिशन होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो कौन से केसेस जा सकते हैं आपके स्पेशली पिटिशन के अंदर, विच केसेस कैन गो अंडर द स्पेशली पिटिशन। यस, विच पिटिशंस कैन गो अंडर स्पेशली पिटिशन। सो एसएलपी के अंदर हम लोग ये स्पेशली पिटिशन के अंदर हम लोग देखें तो दी, यस इट्स दी सुप्रीम कोर्ट्स डिस्क्रिशन, रिमेंबर दैट, ठीक है ना। इट इज सुप्रीम कोर्ट्स डिस्क्रिशन टू टू डिसाइड दैट व्हाट इज व्हाट केसेस दे आर गोना टेक अप अंडर दी योर स्पेशली पिटिशन। कैन यू नो इंटर वाटर रिवर डिस्प्यूट, इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट गो अंडर दी स्पेशली पिटिशन, यस इट कैन, ठीक है ना, यस इट कैन। क्लियर, इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस बिल्कुल यार, जी जिनपिंग, आपने आपने एकदम मस्त हैकिंग कर रखी है। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज का आपने पहले ही हमको दे दिया है, वेरी नाइस, वेरी गुड जॉब डन। स्टेटस को मतलब जैसा है वैसा रहना, जैसा है वैसा रहना, ठीक है ना। सो दिस इज योर आर्टिकल 136, ठीक है ना। स्पेशली पिटिशन इज ओनली एंड ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट, सो इट इज अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट इज दी अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट अ स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, एनी डिक्री, एनी डिटर्मिनेशन, एनी सेंटेंस और एनी ऑर्डर इन एनी कॉज और मैटर पास्ड और मेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। नहीं, इंटेंशनली था वो, ही हैज बीन डूइंग दैट दो तीन बार, ही हैज सेंट मी इमेजेस ऑफ द फ्यूचर स्लाइड्स, इज लाइक आई लिव इन द फ्यूचर सर। सो इन इन द केस ऑफ एनी एसएलपी, द सुप्रीम कोर्ट हैज टू डिसाइड इन इट्स डिस्क्रिशन वेदर इट वांट टू टेक अप दैट केस और नॉट। सो लेके तो कोई भी केस जा सकते हो, कोई भी ट्रिब्यूनल, कोई भी कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी सबॉर्डिनेट कोर्ट का कोई भी केस आप अपील के साथ पहुंच सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास, बट सुप्रीम कोर्ट के पास वो है डिस्क्रिशन है कि वो केस उनको लेना है कि नहीं लेना है। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, ठीक है ना, समझ में आ गया सबको। आर्टिकल 136 के अंदर स्पेशली पिटिशन होता है जिसमें इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप दीज केसेस, बट एनी काइंड ऑफ केस कैन बी टेकन अप, ठीक है। बट इट्स नॉट अ राइट ऑफ अ पर्सन, इट्स नॉट अ राइट ऑफ अ पर्सन टू टेक दिस यू नो केस अप इन द सुप्रीम कोर्ट। नाउ वी टॉक अबाउट रीचिंग एन अंडरस्टैंडिंग विद चाइना इज अ बिग चैलेंज, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर स्पीक्स एट द सीआईआई समिट, ठीक है ना। सो रीचिंग एन अंडरस्टैंडिंग विद चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस बिफोर द सीनो इंडिया रिलेशनशिप। सो दिस, सो गाइस कैन यू हियर मी? यस, चलो कूल, ओके। सो द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो जो जयशंकर साहब हैं, इन्होंने ये बोला है एट आपका इंडिया एट 75 समिट ऑर्गेनाइज बाय सीआईआई। दिस सीआईआई का जो आपका वो है इंडिया एट 75 समिट, आई मेंशन दैट, एंड वी आर डेमोग्राफिकली टू वेरी यूनिक कंट्रीज, ओनली टू विद द बिलियन प्लस पॉपुलेशन कंट्रीज है हम लोग, ओके, एंड वी आर सीइंग पैरेलल बट डिफरेंट राइज ऑफ टू कंट्रीज। व्हाट इज सीनो इंडियन, या सीनो मतलब चाइना, इंडियन मतलब इंडिया, सीनो इंडियन तो मतलब चाइना इंडिया, इंडिया चाइना का रिलेशनशिप की बात हो रही होती है, ठीक है। बट ऑल ऑफ दीज आर हैपनिंग एट अ टाइम व्हेन वी आर नेबरिंग, नेबर्स आर मॉडर्न स्टेट्स, आपके मॉडर्न स्टेट्स हैं, ओके। एंड टू माय माइंड व्हाट इट डज इज दैट इट इट पुट्स अ ह्यूज प्रीमियम ऑन द रीचिंग टू सम काइंड ऑफ एन इक्विलिब्रियम। बेसिकली हम लोग इस समय इक्विलिब्रियम पहुंचने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना, ओके, ये बहुत दिक्कत आती है। एंड हाउ
टू डू इट इज अ बिग चैलेंज. किस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम रीच करेंगे, किस तरीके से चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग रीच करेंगे इज अ बिग चैलेंज. क्योंकि चाइना तो क्या डू यू थिंक दैट चाइना इज विक्टिम की अरे इंडिया ने हमारे साथ ऐसा कर दिया सर, ऐसा कैसे कर दिया आपने, इज दैट सो? द आंसर इज नो, राइट. इट इज अ प्रेडेटर. सो व्हेन इट इज अ प्रेडेटर इट इज इंसाइटिंग अदर कंट्रीज टू बी हॉस्टाइल अगेंस्ट इंडिया. तो यार कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनके साथ अंडरस्टैंडिंग लगाने के लिए? तो वही होता है, लातों की बात भूत बातों से बहुत बार नहीं मानते हैं. दिस इज एक्चुअली ट्रू एट मेनी ओकेजंस दैट आपको वहां पे यू नो रिवर्स पावर स्ट्रेटेजी लगानी ही पड़ती है, ठीक है ना? क्योंकि यार वो तो अपना इट्स गोना असर्ट इटसेल्फ विद ऑल माइट एंड ऑल वायलेंस, तो उसमें कभी कभी उल्टा भी आपको वैसे देना पड़ता है, ठीक है ना? बिकॉज तभी तभी तो बैनिंग द एप्स, ठीक है ना, मैंडरिन को यहाँ पे बैन करना, ये सब चीजें आर द स्टेप इन दैट डायरेक्शन ओनली इफ यू अंडरस्टैंड इट इन सच अ मैनर, ठीक है ना? वाह इंटरेस्टिंग. यस, अब ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. कितने कितने यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स हैं जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड अडॉप्ट कर लिया है? हाउ मेनी सच यूटी? 24 एग्जैक्टली कनिष्क, वी डिस्कस दैट डे बिफोर यस्टरडे. 24 हैव नाउ अडॉप्टेड इट. तो राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी इज येट टू गेन पेस. फ्यूअर देन 2000 इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कैरिड आउट अंडर दिस स्कीम. सो देर आर स्टिल 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज येट टू ज्वाइन द स्कीम इंक्लूडिंग दिल्ली विद इट्स लार्ज माइग्रेंट पॉपुलेशन. द राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी रिक्वायर्स द इंटीग्रेशन विद आधार कार्ड एंड द इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन यूजिंग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ठीक है? फूड मिनिस्ट्री के डेटा ने यह दिखाया है कि लेस देन 2000 इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन वर कैरिड आउट अंडर द स्कीम. It benefiting less than 13,000 people. इसका एक reason क्या हो सकता है? What could be one of the biggest reason for that? That most of the people have gone back to their places itself. बहुत सारे लोग जो हैं भाई वो तो आपके चले गए ना, they have gone back, तो वो तो अपनी जगह से ले रहे हैं. So the numbers obviously are supposed to you know obviously be more, but when the migrant would return back, then the numbers would rise up, isn't it or not? ठीक है ना? जो अब इस तरह से सोचो, imagine करो कौन लोग हैं वो. सी ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन, बट मेजोरिटी, स्टैटिस्टिकली मेजोरिटी, वो लोग कौन हैं जो वापस चले गए घर, जिनको अपने काम वाली जगह पे नहीं, अपने काम वाली जगह पे खाना नहीं मिल रहा था, जो रहे उनको तो ऑलरेडी मिल रहा था, तो वो लोग ऐसे अवेल नहीं करेंगे इस स्कीम के अंदर. समझ में आ रहा है कुछ लॉजिक? तो जो जो रह गए द माइग्रेंट हु आर स्टेइंग नाउ मोस्टली आर दोज पीपल हु हैव नॉट गॉन बैक because they are already you know they are like हम यहाँ पे sustain कर सकते हैं, they are able to sustain themselves. जो sustain नहीं कर पाए थे वही तो वापस गए, and therefore the numbers obviously ठीक है, we have to say the numbers should be increased, that is fine, but numbers were supposed to not be very high because people either have gone back or the people have stayed back already have some food source, ठीक है ना? So वही है कि आप देखते हैं, let's see in the near future the numbers should increase when the reverse migration happens, that the number should increase. Is that clear, all of you? Samajh mein aaya logic? Logic is clear. As flood waters ebb in Assam, hunters kill rhino for horn. This is sad. One of the worst things that can happen. Hunters have killed a female rhinoceros in the partially flooded Kaziranga National Park and the Tiger Reserve on Friday, right? And sawed off her horn. This is very, very sad. Poaching is something which is one of the worst things that can happen. फोटो भी रिलीज की गई थी उसकी, इट्स यू नो इट्स अ रियली रियली सैड इवेंट व्हिच हैज हैपेंड. सो दिस इज सेकंड राइनो व्हिच हैज बीन किल्ड इन दिस ईयर, वेल 18 मोर हैव डाइड ड्यूरिंग द फ्लड. ये फ्लड वाला तो चलो मान लीजिए कि चलो वो नेचुरल कॉजेज से भी अगर डेथ हुई थी, बट पोचिंग इज समथिंग व्हिच इज मतलब वर्स्ट थिंग व्हिच कैन हैपन, बिकॉज यार ह्यूमंस हैव यू नो आर यूजिंग देम फॉर दिस पर्पस. सोचिए आप, ठीक है ना? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन आज बाय स्पर्श. हॉर्न्स का यूज क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ द हॉर्न? यस, हॉर्न्स फॉर, यस फॉर मेडिसिनल पर्पस. चाइनीज मेडिसिन होती है, चाइनीज मेडिसिन में आता है हॉर्न्स का, आपका यू नो ग्राइंडेड वर्जन ऑफ द हॉर्न्स इज यूज्ड, ठीक है ना? सो मेडिसिनल डेकोरेशनल उस टाइप से यूज होता है आपका, ठीक है ना? सो वाई डोंट वी हैव स्ट्रिक्टर, वी डू हैव वेरी स्ट्रिक्ट लॉज सी, बट क्या लॉ से हो जाता है सब कुछ? लॉ पास कर दो तो हो जाता है सब कुछ.
लॉ पास करने से होता है, वहां पे इंप्लीमेंटेशन भी चाहिए होता है ना, विजिलेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, विजिलेंस इज रिक्वायर्ड। अब यार मर्डर देश में क्या वो नहीं है क्या, रेप के खिलाफ डेथ पेनल्टी नहीं है क्या, रेप तब भी हो रहे हैं। सो वही वही चीज है कि आपका मॉनिटरिंग, इंप्लीमेंटेशन, प्रोसिक्यूशन में डिलेज रहते हैं, दे पीपल स्टिल पीपल थिंक कि बच जाएंगे तो बहुत बहुत फायदा है, समझ रहे हो, बच जाएंगे तो बहुत फायदा है, समझ पा रहे हो, यही ये रीजन है, दिस इज अ रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग, बच जाएंगे तो बहुत फायदा है। सो दी व्हाट वी नीड, सो अब ये है कि इंप्लीमेंट करो ताकि असर्टेन हो दैट प्रोसिक्यूशन हैपेंस, इज दैट क्लियर, क्लियर, इज दिस क्लियर एवरीवन, ठीक है ना, ओके। सो बसों की वही है, द स्टेप्स टू बी टेकन आर यू नो बेटर एंटी पोचिंग कैंप्स, मोर फॉरेस्ट गार्ड्स, बेटर ट्रेनिंग फॉर देम, बेटर मॉनिटरिंग, इंस्टॉलिंग योर वीडियो कैमराज इन स्ट्रेटेजिक लोकेशन जहां पे पोचिंग इंसिडेंट ज्यादा होते हैं, यही सब चीजें हैं, प्रोसिक्यूट करना उनको, पकड़ना उनको, इस टाइप की चीजें, स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू मेंशन इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द पोचिंग डज नॉट हैपन, ठीक है ना, ओके। व्हाट डज सीवीसी डू देन, सीवीसी का इसमें कहां रोल आ गया चीकू, सीवीसी का रोल कहां से आ गया, सीवीसी तो चीफ विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है, वो तो अलग ही होता है। अच्छा विजिलेंस टर्म, विजिलेंस का यार विजिलेंस इंग्लिश मतलब भी होता है यार, विजिलेंस से एक टाइप की विजिलेंस नहीं होती, विजिलेंस मतलब होता है जैसे आपका आपके जो इन्विजिलेटर होते हैं क्लास में जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसको भी हम लोग उसको विजिलेंस कहते हैं, निगरानी रखना, विजिलेंस मतलब होता है मॉनिटरिंग, मतलब निगरानी, क्लियर, ठीक है ना, ठीक है ना, राइट। नहीं कोई नई ऑर्गेनाइजेशन की नीड नहीं है भाई, जो ऑलरेडी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं होती इसके लिए, ठीक है ना। अब यह चाइनीज टाइज विद यूएसए प्लंज फर्दर, अब ये तो यार हो ही रहा है, इसमें तो कुछ नया है नहीं, नहीं, सीवीसी का विजिलेंस, ये विजिलेंस अलग होता है भाई, वो विजिलेंस होता है, सीवीसी का विजिलेंस होता है करप्शन केसेस में, दैट टेक्स इनटू कंसिडरेशन कि भैया मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, वो सब चीजें अलग, वो सब चीजों की होती है, ठीक है ना। तो चाइनाज टाइज विद यूएस प्लंज फर्दर, बीजिंग स्लैम्स बार्बरस सैंक्शन इम्पोज ऑन हांगकॉन्ग, सिटी गवर्नमेंट बैक्स काउंटर मेजर्स, ठीक है ना। तो चाइना ऑन सैटरडे स्लैम्ड द यूएस फॉर इम्पोजिंग बार्बरस सैंक्शंस इन रिस्पॉन्स टू बीजिंग क्रैकडाउन इन हांगकॉन्ग, कैपिंग अ ड्रामेटिक वीक ऑफ डिटोरिएटिंग रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना, ये तो है ही आपका, ओके। सो इन द यार हजूर अहमद कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, उसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, कोई यहाँ पे मैं आपको वर्ड मीनिंग नहीं बताने वाला हूँ। इन द स्ट्रॉन्गेस्ट यूएस एक्शन ऑन हांगकॉन्ग सिंस चाइना इम्पोज्ड अ स्वीपिंग न्यू सिक्योरिटी लॉ, कौन सा सिक्योरिटी लॉ है ये, विच सिक्योरिटी लॉ इज देयर, विच सिक्योरिटी लॉ इज देयर, विच सिक्योरिटी लॉ इज देयर, ठीक है ना, हाँ आपका डिपोर्टेशन वाला, हांगकॉन्ग वाला, राइट, आपका दैट हांगकॉन्ग का सिक्योरिटी लॉ है जो उनका, जिसमें वो लोग पकड़ सकते हैं किसी को भी आराम से, रौलत एक्ट टाइप का, जो इसको बेसिक लॉ कह रहे हैं, ठीक है ना, ये बेसिक लॉ तो पुराना वाला है, बेसिक लॉ की बात हो रही है, सिक्योरिटी लॉ की बात हो रही है, एक्सट्रेडिशन लॉ भी नहीं है, दिस इज मेनली मोर अबाउट दी सर, शुड आईएफएस ऑफिसर्स बी मेड मोर अडेप्ट, यस एग्जैक्टली नीरज, बिल्कुल आईएफएस ऑफिसर, फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर, यही काम होता है, वन ऑफ दी वर्क्स इज दिस ओनली, ठीक है ना। सो ये जो इनका है जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है वो, उसके बाद आपके यूएस हैज टेकन अ लॉट ऑफ एक्शंस, ठीक है ना, दे हैव इम्पोज सैंक्शंस ऑन अ ग्रुप ऑफ चाइनीज एंड द हांगकॉन्ग ऑफिशियल्स, ओके, एंड दे हैव आल्सो फोर्स्ड चाइनीज इंटरनेट जायंट्स टिकटॉक एंड वीचैट टू एंड ऑपरेशन इन यूएस, इजंट इट अ नॉट, देखा होगा आप लोगों ने दैट 45 डेज के अंदर टिकटॉक और वीचैट दोनों ही दोनों आपके बैन हो जाएंगे, दे विल बी बैन्ड। चाइना ऑन सैटरडे यू नो क्रिटिसाइज्ड द सैंक्शन एज योर बार्बरस एंड रूड, राइट, सो चाइना ने बोला ये बहुत रूड है, ये बहुत आपका बार्बरस है, द इल इंटेंशन ऑफ यूएस पॉलिटिशियंस टू सपोर्ट पीपल हु आर एंटी चाइना एंड मेसिंग अप हांगकॉन्ग हैव बीन क्लियरली रिवील्ड, राइट, सो दिस इज वॉट बीजिंग हैज मेंशनड, तो मस्त बीजिंग इज लाइक, अब वही हो रहा है यार, बीजिंग इज जस्ट एक्टिंग आउट, बीजिंग को पता नहीं है हम हैंडल कैसे करें सिचुएशन को, अब वो एक्टिंग आउट कर रहा है बस, हाँ वो बस अब हर जगह पे अपने हाथ पैर मार रहा है, playing the victim card. This was a very again a very you know concerned वाली बात,
दैट ऑयल स्पिल हुआ है आपके मॉरिशियस में कल, उसका हमने देखा भी था फोटोग्राफ, सम ऑफ यू शेयर्ड इट ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, ठीक है ना। तो फ्रांस टू हेल्प मॉरिशियस डील विद ऑयल स्पिल, फ्रांस इज सेंडिंग स्पेशलिस्ट टीम्स एंड इक्विपमेंट्स टू हेल्प मॉरिशियस डील विद द फ्यूल स्पिल फ्रॉम अ बल्क कैरियर, राइट, जो अभी आपके लगभग दो वीक पहले यू नो स्प्रेड किया है, एट हैज लीड टू लेट टू एन योर इकोलॉजिकल डिजास्टर, ठीक है ना। हाँ यार होता रहता है ऑयल स्पिल होता रहता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट इट क्रिएट्स, बताइए प्रॉब्लम्स ऑफ ऑयल स्पिल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट थ्रेटन्स द एक्वेटिक लाइफ, इट रिड्यूसेस द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, राइट, इट रिड्यूसेस द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। उसके बाद इट लीड्स टू योर इंक्रीज इन एल्बिडो, व्हाट डज दैट डू, सॉरी डिक्रीज इन एल्बिडो, आई बेग योर पार्डन, डिक्रीज इन एल्बिडो, व्हाट डज दैट डू, इट लीड्स टू इंक्रीज इन लोकल टेम्परेचर, बिकॉज वहां पे आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, काला काला सा पानी हो जाएगा ना, काला पानी हो जाएगा। देन चौथा क्या है, वॉटर पॉल्यूशन, ठीक है ना, वॉट एल्स, कोरल ब्लीचिंग, एग्जैक्टली कोरल ब्लीचिंग, समझ में आ गया सबको, क्लियर होगी बातें, आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, लॉस ऑफ प्लांकटन, ये सब कुछ है, सब कुछ, ऑल ऑफ देम आर दी रीजंस, बिल्कुल बिल्कुल। चाइना इश्यूज वार्निंग ओवर आफ्टर प्लेग पेशेंट डाइज, एक्टिंग आउट मतलब गुस्सा करना, जैसे अगर आपको आपके आपके पेरेंट्स डांट देते हैं तो आप एक्ट आउट करते हो, नहीं मेरे को, मैं नहीं खाऊंगा खाना, मेरे को नहीं खाना है खाना, मेरे को नहीं खाना खाना, वो से कहते हैं एक्टिंग आउट, ठीक है ना। वॉट इज योर कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग होता है आपका, कोरल जो होते हैं उनमें से जूजंतले चले आते हैं और वो आपके मर जाते हैं, कोरल्स मर जाते हैं, ठीक है ना, दे बिकम वाइट एंड दे डाई। तो चाइना इश्यूज वार्निंग आफ्टर प्लेग पेशेंट डाइज, व्हाट काइंड ऑफ प्लेग इट इज, आपका इनर मंगोलिया के रीजन में ये है, जहां पे ब्यूबोनिक प्लेग, कैसे स्प्रेड होता है ब्यूबोनिक प्लेग, आपका रैट्स के ऊपर जो टिक होते हैं उससे फैलता है, सो रैट्स के ऊपर टिक होता है उससे आपका फैलता है, सो बेसिकली इफेक्टिवली रोडेंट्स से फैलता है, ठीक है ना। सो वही है कि दे हैव नाउ इशूड अ वार्निंग, तो देखते हैं, लेट्स होप इट्स नथिंग सीरियस, है ना, ओके। हाँ इनर मंगोलिया उन्हीं के चाइनीज ही का ऑक्यूपेशन में होगा, ठीक है ना। टिक क्या होता है यार, व्हाट इज टिक, टिक क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े नहीं होते हैं, कीड़े छोटे छोटे कीड़े होते हैं, फ्ली, फ्ली इसको कहते हैं इंग्लिश में, इट्स कॉल्ड फ्ली, इंसेक्ट, छोटा कीड़ा, फ्ली, ठीक है ना, ओके, ऑलराइट। डॉग्स क्या होते हैं, टिक्स एंड माइट्स, जो हाँ दे आर पैरासिटिक। एंटी रिजीम प्रोटेस्ट रॉक्स बैरूट, सो 5,000 डेमोन्स्ट्रेटर्स गैदर नियर योर पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है ना, ओके। सो ये किसके बाद हुआ है, व्हाई इज दिस हैपेंड, व्हाई हैज दिस एंटी रिजीम प्रोटेस्ट हैपेंड, बिकॉज ऑफ करप्शन देयर एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंट ब्लास्ट व्हिच हैज हैपेंड, तो वहां के लोग एकदम अथामाजी सटक लिए। सो रायट पुलिस फायर टीयर गैस एट द डेमोन्स्ट्रेटर्स ट्राइंग टू ब्रेक थ्रू द बैरियर टू गेट इन टू द your parliament building in Beirut. So about 5,000 people gathered in your Martyrs Square in the city center, some throwing stones. Police fired tear gas when some protesters tried to break through the barrier blocking a street leading to the parliament also. So ye hua hai wahan pe aapka that a lot of people have been killed, lagbhag 154 people have died there and around 5,000 have been injured. So the मेन सिटी का जो आपका साइड एरिया है पूरा ब्लास्ट, या वो मतलब वो जो ना उनकी जो ब्लास्ट हुआ था, दैट आई कांट यू नो स्टिल फॉरगेट, इतना खतरनाक सा वो ब्लास्ट हुआ था, इट्स रियली 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 स्कैरी। नेक्स्ट है आपका सो पनागरिया, जो है बड़े ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इज अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, राइट, फॉर्मर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। सो इकोनॉमी में नीड स्टिमुलस ऑन डिमांड साइड, दिस इज करेक्ट, इस समय डिमांड हाई है कि डिमांड लो है इस समय, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द इकॉनमी, इकोनॉमिक सिचुएशन इज दैट देयर इज अ लो डिमांड, सो इकॉनमी में नीड स्टिमुलस ऑन द डिमांड साइड, सेज पनागरिया, इकोनॉमिस्ट सीज
ग्रोथ पिकअप एज अस यू नो सिग्नल फॉर इंटरवेंशन एज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ बिगिन टू पिकअप द कंट्री इज गोइंग टू नीड परहैप्स अ लिटिल बिट ऑफ स्टिमुलस ऑन द डिमांड साइड दैट्स व्हाट ही हैज सेड एंड ही आल्सो वरीड अबाउट द ट्रेंड ऑफ राइजिंग इम्पोर्ट टैरिफ इन इंडिया. सो उन्हें बोला कि डाउन द रोड इकोनॉमी इज कंटिन्यूइंग टू ओपन अप इफ वी सी दैट इन्वेंट्रीज आर एक्युमुलेटिंग रैपिडली देन व्हाट दैट वुड बी क्लियर साइन दैट इज अ डिमांड डिफिसिट प्रॉब्लम कि भैया हो क्या रहा है आपका आपके जो डिमांड है वो इंक्रीज नहीं कर हो रही है इंक्रीज नहीं हो रही है ठीक है ना. सो कनिष्क यस आत्मनिर्भर कैंपेन जो है यार वो चल रहा है इट इज अंडर अंडर वे लोन्स लिए जा रहे हैं पीपल आर इंक्रीजिंग इन इन टर्म्स ऑफ देयर या उनका जो भी आपका आपका स्पेंडिंग वगैरह है बट इट्स नॉट अप टू द सेम मार्क हो ही नहीं सकता है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि इट विल बी टू द सेम मार्क एज बिफोर. टैरिफ इज इक्वल टू टैक्स. हाँ जी आज आज मुझे लगता है आज ये क्लास का नाम हो जाना चाहिए वेरी 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 ट्रिवियल क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड राइट जोक्स अपार्ट राइट. सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट आपका दी डिमांड साइड इज रिक्वायर्ड. डिमांड साइड क्या होता है बेसिकली कि जो आपके बायर्स हैं उनके पास इनफ पैसा नहीं है वो सेविंग मोड में इस समय. इजंट इट नॉट यही तो हमने देखा ये पिछले कितने समय से हम लोग बात कर रहे हैं दैट सेव करे जा रहे हैं. दिस अ लॉट ऑफ मनी विद द पार्किंग विद द बैंक. बैंक में लोग कह रहे हैं भैया बचा के रख लो पैसा गोल्ड खरीद लो भैया बचा के रख लो पैसा रुपए को बचा के रख लो जैसे भी करके पैसा बचा लो राइट ताकि हम लोग आगे के लिए सस्टेन कर सकें. क्योंकि डर ये है कि भैया आगे बढ़ता रहा तो दिक्कत हो जाएगी राइट. सो मिस्टर पनगरिया पॉइंटेड आउट दैट इवन विद द करेंट लेवल ऑफ इंटरवेंशन इंडिया वॉज स्टेयरिंग एट द डेट टू जीडीपी रेशियो राइजिंग फ्रॉम 72% टू अबाउट 85% इन एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ द करेंट ईयर ठीक है ना. ओके ऑलराइट हाँ डेट टू जीडीपी रेशियो इज ऑफ कंबाइंड यूनियन स्टेट्स. यस बिल्कुल अगर अलग अलग कैलकुलेट होता है इट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑल्सो. सो नाउ हाउ कैन द डिमांड स्टिमुलेट सी वही आत्मनिर्भर कैंपेन ही है जिससे डिमांड स्टिमुलेट हो सकती है. देयर इज नथिंग एल्स दैट कैन बी डन. जितना करना था वो कर रहे हैं उसके अलावा अब जो है लॉकडाउन एंड करके ही खत्म हो सकता है. आप लॉकडाउन एंड करके ही खत्म कर सकते हो दैट इज हाउ यू एंड बिकॉज सी द थिंग इज जो पैसा भी दिया गया है इस समय जो पैसा भी दिया गया है एज यू नो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वो कहाँ यूज हो रहा है बताइए कहाँ यूज हो रहा है. इट्स बीइंग यूज फॉर बेसिक बेसिक पर्पसेस बेसिक कमोडिटीज फूड के लिए ऑयल के लिए जो आपको हाँ बेसिक चीजों के लिए यूज हो रहा है. सो अब आप एक्सपेक्ट थोड़ा कर सकते हो कि इस समय एकदम से मतलब लोग ना तो वो चल रहा है ना तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं लोग ना तो मूवी देख पा रहे हैं लोग ना मॉल खुल रहे हैं सच कुछ मतलब खुले हुए हैं बट ऑब्वियसली यू नो हाउ इट्स फंक्शनिंग पूरा उस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो चुका है. तो हाउ यही सब चीजें तो थी जिसमें स्पेंडिंग होती बहुत सारी है ना. आप समझो ना इसको ट्रांसपोर्टेशन टूरिज्म सब बंद है लोग बाहर ही नहीं निकल रहे घर से बाहर निकल रहे आप टूरिज्म सेक्टर को कैसे करोगे. सो इसलिए बहुत दिक्कत है इस समय ठीक है ना. ओके चलिए नेक्स्ट इज आईसी मार्स. नाउ वी कम टू दी आपके साइंस सेक्शन. न्यू रिसर्च ऑन मार्स फाइंड्स एविडेंस दैट अ लार्ज नंबर ऑफ वैलीज कार्व्ड ऑन द फेस ऑफ द रेड प्लैनेट वर ड्यू टू द मेल्ट वाटर रनिंग बीनीथ द आईसी शीट्स. वाओ ठीक है ना. एंड दिस फाइंडिंग पब्लिश इन नेचर जियोसाइंस पुट्स पेड टू थ्योरी दैट योर मार्स वॉज वार्म एंड वेट इन द एंशियंट टाइम्स ठीक है ना. द रिसर्चर्स कंपेयर्ड मार्स विद द सब ग्लेशियर चैनल इन द कैनेडियन आर्किपेलागो. तो वही है कि आपका बड़ा इंटरेस्टिंग आइस आइस का एग्जिस्टेंस का कुछ इंडिकेशन लग रहा है मार्स के ऊपर. एंड यस बाय द वे आजकल यस यूरोप में टूरिज्म थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है. एंड वहां पे अगर आप देखो क्या कहते हैं यूएई इज द मोस्ट यू नो यूएई के अंदर खतरनाक ढंग से स्टार्ट किया अपना टूरिज्म. आप उसको इस तरह से सोचो ना इस तरह से आईपीएल करा पा रहे हैं भाई वो लोग दे आर डूइंग आईपीएल. तो आईपीएल करने तक के लिए वो लोग मतलब यूएई में बता रहा हूँ यूएई इस समय बहुत अमीर हो जाएगी. यूएई नेक्स्ट लेवल पे अमीर हो जाएगी. हाँ नास मैंने वहीं से देखा था आई सॉ द वीडियो ऑफ नास ओनली नास डेली. आर्किपेलागो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अक्षय. आर्किपेलागो मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ठीक है ना. वैसे वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं को आप सबसे पूछूंगा पिछले साल तक नहीं होता था कि यार
आईपीएल कितना बोरिंग हो गया, इतना रिपीट रो, हर इतना क्रिकेट, सो मच ऑफ क्रिकेट, इतना ही, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा। अब नहीं लग रहा भाई, प्लीज करा दो यार, प्लीज करा दो यार, प्लीज हो जा कुछ यार, हम लोग परेशान हो गए, देख लेंगे क्रिकेट मैच देख लेंगे। आई थिंक दिस टाइम आईपीएल का देखना, अब वही मेरा फोरकास्ट भी सही भी है इसमें, आई थिंक एवरीवन ऑफ यू कैन फोरकास्ट दिस, दिस टाइम इट बी गोना बी द हाईएस्ट व्यूअरशिप ऑफ आईपीएल एवर, हाईएस्ट व्यूअरशिप ऑफ आईपीएल एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, फर्स्ट आईपीएल को भी ब्रेक करेगा इस बार, देखिएगा आप, है ना, खतरनाक होने वाला है इस बार, इस बार। और धोनी, धोनी आएंगे ना तो फिर तो लोग एकदम, क्योंकि धोनी का वो हो गया था कि भाई धोनी का लास्ट आईपीएल हो सकता है ना, धोनी का लास्ट आईपीएल हो सकता है। तो अगर ऐसा है, जस्ट इन केस नहीं है, वी होप इट्स नॉट लाइक दैट, बट जो भी है, टू सी धोनी इटसेल्फ इज अ बिग बिग थिंग, राइट। आरसीबी सीएसके, अच्छा बड़े सारे लोग हैं हमारे आरसीबी, हम वो है मुंबई इंडियंस, हम मुंबई इंडियंस वाले हैं। चलिए ओके। सन्स कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड मेजर्ड, दिस कैन हेल्प सॉल्व दी सेवरल पजल्स अबाउट दी सोलर एटमोसफेयर, ठीक है ना। ऑलराइट यार, अनअकैडमी अभी पता नहीं है उसका, अभी इट्स स्टिल इन टॉक्स। मैंने मैंने गौरव सर से पूछा था, उनने रिप्लाई नहीं किया था, मुझे लगता है ही इज लाइक, अभी अभी जब अनाउंस करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। सो द सन्स कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड मेजर्ड, दिस कैन हेल्प सॉल्व सेवरल पजल्स अबाउट द सोलर एटमोसफेयर, ठीक है। सो कोरोना क्या होता है भाई, हर चीज एक कोरोना नहीं होता है, देयर इज अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ कोरोना ऑल्सो। बेसिकली दिस इज हाउ इट इज, बेसिकली दिस इज द सन, दिस इज द सेंटर ऑफ द सन, दिस इज द सर्फेस ऑफ द सन, एंड देयर इज अ आउटर आउटर लेयर ऑफ द सन जो बहुत किलोमीटर, थाउजेंड ऑफ किलोमीटर बाहर होती है, दिस इज कोरोना, इज दैट क्लियर। एंड यू नो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटीरियर ऑफ द, सबसे ज्यादा गर्म कहाँ होता है, वे इज द मोस्ट, व्हाट इज वार्मेस्ट, कोरोना। सो द सन इज आवर क्लोजेस्ट स्टार एंड वी हैव बीन स्टडिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, येट इट हैज मेनी एसोसिएटेड पजल्स दैट आर अनएक्सप्लेन्ड। जैसे कि क्या हुआ है आपका, देखते हैं, देयर टू मेन पजल्स, फर्स्ट इज द कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम, कोरोना इतना ज्यादा गर्म क्यों है, कोरोना इज द क्राउन, यस क्यों है। दो द कोर ऑफ द सन इज एट अ टेम्परेचर अबाउट 15 मिलियन डिग्रीज, इट्स आउटर लेयर इज अराउंड 5,700 डिग्री हॉट, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप इसका मतलब, दिस इज 15 मिलियन डिग्रीज एंड दिस इज 5.5 K, विच इज अप्रोक्सीमेटली द वॉट, विच इज अप्रोक्सीमेटली, विच इज अप्रोक्सीमेटली वॉट, विच इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज आर कोर, यानी कोर के बराबर, अर्थ का कोर के बराबर का टेम्परेचर है, अर्थ का कोर ऑल्सो हैज अराउंड 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। सो सन का सरफेस एंड अर्थ का कोर हैज द सेम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली, एंड कोरोना का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, कोरोना इज और द आउटर एटमोसफेयर विच स्ट्रेचेस टू सेवरल मिलियन किलोमीटर्स बियॉन्ड इट सरफेस इज हॉटर देन इवन द सरफेस, दिस इज द एनोमली, इट इज एट अ टेम्परेचर ऑफ 1 मिलियन डिग्री और मोर, समझ रहे हो आप, आर यू गेटिंग द होल लॉजिक, ठीक है ना। वॉट कॉजेज द एटमोसफियर ऑफ द सन और द कोरोना टू हीट अप अगेन दो द सर्फेस इज कोलर इज बेसिकली इज द क्वेश्चन, जिसका अभी तक आंसर मिला नहीं है, सच वी हैवंट बीन एबल टू फाइंड द आंसर येट। इसी के लिए आपका आदित्य L1 एंड आपका पार्कर प्रोब वगैरह गया है, ठीक है ना। ओके, पार्कर प्रोब एंड जो आदित्य L1 है, दे हैव गॉन फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज इटसेल्फ, ठीक है। So that is the question which has baffled the various solar physicists, right? So other set of question is the mechanism of eruptions of the sun, which is the solar flares. सुना होगा आप लोगों ने, right? Solar flares. ये क्यों होते हैं इसका भी हमें हमें नहीं पता है। एकदम all of a sudden एकदम से bright spotlight दिखती है sun में से। Why does that happen is still is a mystery. Binod is writing Binod. Very nice, Binod. Binod. This is, I think this is the second Binod after Binod Vinod Kambli, which has gained popularity. All right. What is this Binod? Binod is a is is, is Binod Binod. I know वही तो that यही तो joke था यार, joke भी नहीं समझते आप, joke में logic लगा रहे हो नीरज, कभी हंस दिया करो यार फालतू के जोकों पे भी। Let's come to the last article, which is the FAQs. ना FAQs पे आते हैं हम लोग, ठीक है। एंड FAQs, एक FAQ अच्छा है,
पाकिस्तान मैप एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स, व्हाई हैज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप, व्हाट आर द क्लेम्स, व्हाट डू दे मीन। ओके सो गाइस, जितने लोग नए आए हैं, हैव यू गाइस जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप? यू गाइस जॉइन अ टेलीग्राम ग्रुप? दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप गाइस, यू गाइस कैन जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू कैन यू नो मैसेज मी एनी क्वेश्चंस क्वेरीज व्हिच यू माइट हैव। ठीक है ना? हाँ चल, फ्रीक्वेंटली आज ऐसे सवाल के जवाब दूंगा मैं, कोई नहीं, पेशेंटली दूंगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना? सो हर्षु बेसिकली टेलीग्राम से आप कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, राइट? एंड ऑल द लर्नर्स आर देयर, तो यू कैन आस्क ईच अदर क्वेश्चंस। आपका यू नो कंटेंट शेयरिंग वगैरह सब हो जाता है। सो अब पाकिस्तान ने क्या किया भैया? ओके ओके, पाकिस्तान ने किया क्या किया है? दी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अनाउंस द न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान, जिसमें इंटरेस्टिंग क्या दिखाया उन्होंने? आहा, लद्दाख हमारा है, आहा, जम्मू कश्मीर हमारा है, आहा, क्या क्या, जूनागढ़ हमारा है, जूनागढ़ भी ले गए। वाओ, पाकिस्तान इज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग है, हम तो एकदम जूनागढ़ भी ले जाएंगे। So with this, Pakistan became the third country to launch a new political map after India and Nepal did the same in November 2019 and May 2020 respectively. India had reiterated its territorial claim in Jammu and Kashmir and Ladakh with a new map. This triggered a reaction from Nepal, जिसने बोला भाई काला पानी हमारा है, ठीक है ना? ये अपने make believe में रह रहे हैं यसराज, बिल्कुल अपने make believe दुनिया में रह रहे हैं। मेरे को तो लगता है ना इनको एक अलग continent देना चाहिए। हाल जाओ, तुम्हारा एक कॉन्टिनेंट है, तुम वो चाइना पाकिस्तान और नेपाल वाले एक साथ रह लो वहां पे, प्लीज। एक कॉन्टिनेंट पूरा आपका, पूरा नहीं पूरा कॉन्टिनेंट तो कह रहा हूँ, पूरा प्लैनेट दे दिया, प्लैनेट प्लैनेट कॉन्टिनेंट नहीं सॉरी प्लैनेट ही दे दो उनको, उनको पूरा प्लैनेट दो, आपका आपका प्लैनेट है, नो टेरिटोरियल क्लेम विल विल हाँ उनको, मार्स पे ले जाओ उनको मार्स पे ले जाओ उनको, बिल्कुल मार्स पे एकदम आपका है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। Okay, so the territorial claim of Pakistan are, however, of a greater extent and challenge may be, you know, काफी interesting से उन्होंने किया है। So that day I was asking you this only, but why China and Pakistan are claiming it now? पहले नहीं release किया क्या? नहीं पहले अलग ढंग से करते थे, अब recently इसलिए कर रहे हैं क्योंकि China के खिलाफ corona के claim लग रहे हैं, China और US की लड़ाई चल रही है, cold war चल रहा है ना भाई, cold war का है सब कुछ नतीजा, इंडिया US के पास जा रहा है, वो यूएस को यूएस और चाइना की लड़ाई चल रही है, तो देयर लाइक अब हम भी लड़ाई करेंगे। सो इट्स ऑल प्रॉक्सी वॉर, इट्स ऑल द वे ऑफ प्रॉक्सी वॉर, ठीक है ना सर? ऐसे ही कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को क्लेम कर सकता है क्या, जस्ट मेकिंग न्यू मैप्स? हाँ मतलब अपनी मर्जी में तो कोई भी कर सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ ये पानी की जो बॉटल है ये एक माउंटेन है, मैंने बोल दिया, अब ये बोले थोड़ा सा मान लेंगे क्यों है, मैंने बोल दिया अब इसका मतलब थोड़ा कि दुनिया मान जाएगी उसको तभी तो उसकी बात पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा, बोले बना लो तो आप रखो अपने पास, मैप रख लो अपने पास, आप रख लो मैप अपना रख लो, क्या कर लोगे, कर क्या लोगे, आ तो पाओगे नहीं यहाँ पे, हाँ नहीं तो क्या, इस टाइप से, ठीक है ना? नेक्स्ट, द न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान हैज क्लेम द एंटायर रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्ट्रेचिंग ऑल द वे टू द एज ऑफ लद्दाख, ठीक है, एंड द मैप ऑल्सो क्लेम जूनागढ़ एंड योर मनावदार, दिस इज स्कैरी, मनावदार एक जगह है जो प्रिंसली स्टेट्स थे जम्मू आपके गुजरात रीजन में। सो दे क्लियरली रन काउंटर टू द शिमला एग्रीमेंट विच ट्रीटेड कश्मीर एज अ बायलैटरल मैटर, तो उन्हें अपने यूनिलैटरली डिसाइड कर लिया, ठीक है ना? ओके, सो शिमला एग्रीमेंट जो था उसमें उन्होंने ट्रीट किया था चाइना की भैया जो कश्मीर होगा बायलैटरल इशू होगा। अब उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो बॉल लेके आते थे बाउंड्री से जब सुनील गावस्कर चौका मारते थे, तो उन्होंने बेसिकली बोला है कि द बॉर्डर इन दैट एरिया विल बी फिक्स्ड आफ्टर रिजॉल्विंग द कश्मीर इशू, जो बोला गया था, ठीक है ना? बट ये कि अब अपनी मर्जी से क्लेम कर रहे हैं कि भाई सर क्रीक भी हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है, ये शिमला एग्रीमेंट। देवश्री ने कुछ शेयर किया हमारे साथ, हाँ यू गाइस ये तो अलग ही है, कुछ चल रहा है उनका बिल्कुल।
ये टॉपिक इतना सिर्फ हिंदू डिस्कस करते हैं। हाउ इज इट व्यूड इंटरनेशनली, व्हाट इज व्यूड इंटरनेशनली, क्या चीज? विनोद पार्ट टू भी आ गए हैं, क्लेम्स में पाकिस्तान चाइना। यार मतलब उनको वही एग्रेसर कर लिया जा रहा है यार, और नहीं तो क्या। कोई 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 ना उनको सपोर्ट कर रहा है, वो तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान में कोई सपोर्ट ही नहीं है इस समय। नॉर्थ कोरिया टाइप की कंट्री उनको सपोर्ट करती है, कोई और सपोर्ट नहीं करता उनको। सर कोल्ड वॉर 2.0 शोज दैट नाम इज जस्ट अ पॉलिसी, इंडिया इज एक्चुअली ऑन अ साइड, सो कैन वी से दैट नाम माइट बी नियरिंग डेथ। नहीं यार ऐसा भी नहीं है, आप कभी ये लिख के मत आ जाना यार सानिया, नेवर राइट दैट इंडिया इज टेकन अ साइड। क्या हमने कभी क्लेम किया कि वी हैव टेकन अ साइड? क्या जयशंकर जी ने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया दैट वील नेवर बी ऑन अलायंस? ठीक है ना, ऑलवेज से दैट वी आर नॉट नॉम बट वी आर हैविंग अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वी फॉलो डी हाइफिनेशन पॉलिसी, दैट इज आर ऑफिशियल स्टैंड एंड दैट इज वॉट वी डू। ठीक है ना, नहीं कर रहे हम लोग। अगर अगर करना होता हम लोग को एक साइड ना, तो हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते, हम रिक्स मीटिंग में अटेंड ही नहीं करते, समझ रहे हो? रिक्स मीटिंग में अटेंड क्यों किया हमने यार, वो सबके रीजंस हैं। हमने क्या चाइना के साथ सारे ताल्लुकात बंद कर दिए? नहीं किए बंद, देयर इज रीजन फॉर ऑल ऑफ दैट, राइट? ओके, ब्रिक्स ब्रिक्स ऐसा तो नहीं कहते हम ब्रिक्स बंद कर दिया हमने, पाकिस्तान के साथ हमने सार्क बंद कर दिया, बट ब्रिक्स बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? देयर इज अ रीजन फॉर दैट, ठीक है ना। एससीओ में भी हम लोग मेंबर्स हैं, एग्जैक्टली, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो वी हैव, वी आर अ मेंबर। सबके रीजन है, ठीक है ना, बिकॉज वी वॉन्ट टू एंड असर्टेन अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बिकॉज वही है, नो वन इज अ परमानेंट फ्रेंड एंड अ परमानेंट एनिमी, ठीक है ना। ओके सर, दिस मैप मेकिंग हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान नेपाल, वाह नाइस, नहीं ठिकाना। सो द मैप इज लाइकली टू लीड टू चेंज इन पाकिस्तान पोजिशन ऑन टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद इंडिया बाय डिमांडिंग द एंटायर जम्मू कश्मीर रीजन। मिस्टर खान इज चेंजिंग द मेन फीचर ऑफ पाकिस्तान, पता है? बट अच्छा आपको क्या लगता है, ये बुरा है क्या, ये जो पाकिस्तान ने क्या, ये बुरा है इंडिया के लिए? इट इज गुड, इट इज एक्चुअली गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इंडिया खुश होना चाहिए। क्यों 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 क्यों, वेरी वेरी गुड, क्यों बताइए ना। नहीं यूएनएससी वगैरह नहीं, बायलैटरली करेंगे, जो भी करेंगे इंटरनेशनली। अगर कोई थोड़ा बहुत भी सिंपथाइज कर रहा होता, समझ पा रहे हो, अब नहीं कर पाएगा। मतलब वैसी बात हो, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए एक एक कोई जो बच्चा है, एक कोई छोटा बच्चा है, वो मम्मी से बोलता है मम्मी मेरे को टॉफी चाहिए, ठीक है ना। तो मम्मी को अगर नहीं भी देना है तो थोड़ा लगता है यार दे देंगे उसको टॉफी, नहीं देंगे टॉफी, ठीक है ना। अब वो नहीं, मम्मी मेरे को जो ना पूरा पूरा आपका आपकी तिजोरी से सारा सामान दे दो मेरे को, आप अपना गोल्ड कॉइन दे दो, ये चप्पेट मारेंगे तुझे, देखे चप्पेट, ठीक है ना। तो ये है जो चाइना आप इनके साथ होने वाला है, आपके पाकिस्तान के साथ, ठीक है ना, चुप बैठ तो, ठीक है ना, उस वाला वाला रिएक्शन आएगा आपके पूरे इंटरनेशनल और इंटरनेशनली उनके खिलाफ, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग, राइट? तो उनने अपना अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार ली इस तरीके से, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली इस तरीके से, ठीक है ना। ये है, तो लेट्स सी अब नाउ हाउ थिंग्स अनफोल्डिंग। अब तो यही होगा कि आप मतलब तुम पागल पागल हो क्या, मतलब ऐसे उठ के कुछ भी आके क्लेम कर दो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, एंड ये मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है, राइट? उस टाइप का क्लेम कर दिया आपने, तो ये थोड़ा चलता है, ऐसे थोड़ा होता है। सो बाय नॉर्मलाइजिंग चाइना इस्लामाबाद क्लेम ओवर दिस प्रिंसली स्टेट, पाकिस्तान इज मोर लाइकली टू असर्ट इट राइट ओवर द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद एज वेल। अब अगला ये भी बोल देंगे हैदराबाद भी हमारा है। कुछ भी बोल सकते हैं वो, अब नाउ दे कैन से एनीथिंग, हैदराबाद हमारा है। अब हैदराबाद कहेंगे क्या क्या क्या, कुछ भी हो सकता है बाप का, ठीक है ना। तो वो ये बोलने दो उनको, बोलने दो जितना बोलना है बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं हमको उससे। अब तो उन्हें ऐसे टाइम पे पहुंच गए, दे आर नाउ एट अ पॉइंट ऑफ यू नो नो रिटर्न, दे आर नाउ एट अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, राइट? द मैप इज साइलेंट अबाउट द टेरिटोरियल क्लेम अबाउट द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। ये क्यों किया है बताओ? उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया डुरांड लाइन में, उन्होंने डुरांड लाइन से चेंज नहीं किया। क्यों डुरांड लाइन चेंज क्यों नहीं किया? डुरांड लाइन है अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि उनके ताल्लुकात है तालिबान से यार, सिंपल सिंपल सी बात है, समझ गए, ठीक है ना। तालिबान तालिबान के साथ है, तो तालिबान कहेगा ये
तुझे तुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है, तू अब इधर इधर आएगा, अच्छा हाँ इधर तो पाकिस्तान एक नहीं, सॉरी शक्तिमान, सॉरी तालिबान, हम आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आओ ये एरिया सारा आपका है, प्लीज 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 गो अहेड, है ना। सो द रियलिटी ऑफ द ग्राउंड शोज दैट द प्रॉब्लम दैट कंटिन्यू टू हॉन्ट पाकिस्तान ऑन दैट फ्रंट इज देयर लॉ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड फ्रीडम ऑफ आर्म फाइटर्स। बट वही है कि जैसे आप वही है कि दे आर शोइंग अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट बिकॉज तालिबान के वो सपोर्टर है, सिंपल सी बात है, क्लियर होगी बात सबको। ये भावना यार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो ऐसे कोई मैप होता नहीं है, वो मैप जो होते हैं उसमें डिस्प्यूटेड एरिया, डिस्प्यूटेड एरिया की तरह से ही दिखाया जाता है, तो अलग अलग एरिया के अलग अलग मैप्स होते हैं, दे आर डिफरेंट डिफरेंट मैप्स विच आर कंसिडर्ड, ठीक है। सबका मैप अलग 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 टाइप का होता है ऐसे, क्योंकि वही है ना कि यार बहुत डिस्प्यूट्स है, लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स ऑल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल ये किस पेपर में आया हर्षिता? दिस वाजंट इन द हिंदू पेपर आई बिलीव। आर्टिफैक्ट्स ऑन द माइक्रोलिथिक एंड द आयरन एज फाउंड। हिंदी ये कब का है, यही मिस कैसे हो गया फिर मुझसे? विच पेज वॉज दिस इन? तो है मुझे दिखा नहीं आ रही है, आई डोंट नो, मे बी मिस हो गया होगा। चलिए पढ़ लेते हैं, गुड, लेट्स लेट्स गो थ्रू दिस देन। थैंक यू अर्षिता। सो द सेवरल स्टोन टूल्स एंड द आर्टिफैक्ट्स बिलोंगिंग टू द माइक्रोलिथिक एज, व्हाट इज द माइक्रोलिथिक एज? मीजोलिथिक, मीजोलिथिक माइक्रोलिथिक राइट, वही होता है राइट, हैज बेसिकली बीन बीन अराइव्ड। एंड आयरन एज कौन सा है, विच वन इज आयरन एज? लेटर वैदिक पीरियड, आयरन एज इज द लेटर वैदिक पीरियड। सो दिस हैज बीन फाउंड एट द फुटहिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन योर मनुथु पराईपट्टी विलेज नियर योर उसेलमपट्टी। अब इसको जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, दिस कुड बी आज इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है ना, ये प्रीलिम्स में आपका आ सकता है, ठीक है ना। ओके सो ये आपका उसीलामपट्टी में ये पाया गया है, आई एम सॉरी फॉर द मिस प्रोनाउंसिएशन राइट। सो दिस हैज बीन फाउंड देयर तमिलनाडु, इन तमिलनाडु करेक्ट। ओके पाकिस्तान का हमने ये देख लिया मैप वाला, हाँ एकदम रस्ट, क्या बात है, एकदम 12 बजे हमारा आर्टिकल्स खत्म हुए हैं। सो गाइज वी हैव अ क्विज नाउ राइट, सो वी हैव अ क्विज नाउ, एमसीक्यू क्विज। तो आज ज्योग्राफी का क्विज है गाइज, टुडे वी हैव द ज्योग्राफी क्विज। नाइस यार, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच अक्षय, थैंक यू सो मच। सो गाइज क्विज करें, शैल यू डू द क्विज नाउ? लेट मी वर्क, करेंगे करेंगे रावत, करते हैं, आएगा न्यूज में तो करेंगे डेफिनेटली। चलिए क्विज में आ जा, सब लोग क्लिक कर लीजिए, क्लिक ऑन द लिंक विच आई हैव नाउ पिन ऑन द टॉप, जस्ट वेट देयर फॉर 1 मिनट, आई विल जस्ट बी यू नो बंद करके, जस्ट आई विल बी लाइव देयर, ठीक है ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम, आई विल बी लाइव देयर देन।